रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों से किस तरीके की तस्वीरें सामने आईं वो हम सबसे अब छुपी नहीं है। पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से किसी के घर जला दिए गए तो किसी की दुकान जला दी गई। ये तस्वीरें राम के नाम पर आईं और राम के नाम का किस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो आप सभी ने देखा। और उसके ठीक बाद नई दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुर इलाके में एक हनुमान जयंती की रैली निकाली गई। रैली मस्जिद के बाहर पहुंचती है, ऐसा लोगों का आरोप है कि मस्जिद के बाहर जब रैली पहुंचती है तो मस्जिद में मौजूद लोग उनके ऊपर पथराव करते हैं, उनके ऊपर कांच की बोतलें फेंकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि पहले हिंदू पक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई, नारेबाजी के बाद उनको प्रवोक किया गया, उनसे कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। उसके ठीक बाद दोनों तरफ से पथराव होता है, दोनों तरफ से पथराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और एक तरफ दो तस्वीरें ये भी मौजूद हैं कि लोगों के हाथ में गन है। इस मामले में अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस का जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और गृह मंत्रालय ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अभी तक जो गिनती आई है वो ये है कि 6 पुलिसकर्मी इस मामले में अभी तक घायल हो चुके हैं पथराव के चलते, गोलीबारी के चलते। और अभी जो स्थिति है ग्राउंड पर, हमारी रिपोर्टर सुमेधा पाल ग्राउंड पर गई थी तो वहाँ पर जो स्थिति उन्हें नज़र आई कि एक ही पक्ष के लोगों को पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और इस पे जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और मामले की जाँच की जाए। तो देखना ये होगा आने वाले वक्त में कि इसका डिसीजन क्या आता है, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रहती है, कौन दोषी बताए जाते हैं। कई अखबार इस तरीके की खबरें भी छाप रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी लोग रहने लगे हैं और हालांकि उनके पास इस मामले को साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं होते हैं लेकिन खबर अखबार में चलाई जाती है। दिल्ली पुलिस के अनुसार अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कुछ परिजनों का आरोप है कि 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी उम्र करीब 16 साल या 15 साल बताई जा रही है और उसके बाद भी उनको जुवेनाइल कोर्ट में जो कानूनी दायरा है वो ये कहता है कि जो 18 साल का बच्चा नहीं है उसको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस का आरोप है कि जो दोनों बच्चे हैं उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, वो 20 साल से ज़्यादा के हैं। और अभी तक जो स्थिति है ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा पुलिस मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है, प्रशासन ने एकदम कड़ा वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, कुछ लोगों की गाड़ियाँ फूट गई हैं और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी गाड़ी फूट गई है पथराव के चलते। दोनों पक्ष का नुकसान हुआ है। कई लोग वहाँ पर ये इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि जब हिंसा होती है तो दोनों पक्ष का नुकसान होता है और ये हिंसा जो है बाहर के लोग आके करवाते हैं। वहाँ पर एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको जय श्री राम कहना ही होगा, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर यही होगा। ये आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, हाँ, श्री राम बोलना ही हो। क्यों क्यों क्यों? किस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता, आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या? क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। आखिर में जाते जाते आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह लगातार मुसलमानों के ऊपर हिंसा की खबरें आ रही हैं उसके विरोध में पूरे देश में कई जगह जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और देश के कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं देश की, वो इन सभी बातों पे प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी ये जो कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है और इसमें प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है।
Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.